झारखंड में बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण के तहत गांव तक बिजली पहुंचाई गई, लेकिन अब भी धनबाद के कई गांव अंधेरे में रहने को विवश हैं। दरअसल बिजली विभाग और ओवरहेड तार के समानांतर केबल लगाने वाली एजेंसी की लापरवाही से बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर और जम्पर में खराबी आ गई, लिहाजा ग्रामीण महीनों लालटेन युग में जीने को विवश रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। गोविंदपुर प्रखंड का ये इलाका कभी नगर कियारी राजा के महल से गुलजार हुआ करता था, महल अब खंडहर में तब्दील होने को है और साथ ही नगर कियारी गांव और आसपास का क्षेत्र विकास से कोसों दूर हो चुका है। धनबाद शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित इस गांव की आबादी करीब 2000 की है। यहां के तूरी टोला में अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। जब न्यूज 11 भारत की टीम ने इस गांव में बिजली पानी जैसी अन्य सरकारी सुविधाओं का हाल जानना चाहा, तो ग्रामीणों ने क्या बताया आप खुद सुनिए। अभी हम खड़े हैं धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड में पड़ने वाले नगर कियारी पंचायत में और यहाँ पर आज हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। बिजली के ये जो खंभे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खंभे भी हैं, घरों में कनेक्शन भी गया है, लेकिन लोगों को बिजली मयस्सर नहीं है। दिनों से लोग यहाँ पर बिजली से सफर कर रहे हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। भैया बताइए कितने दिनों से ये परेशानी है आप लोगों की? मोटामोटी 3.5 से 4 महीने से हम लोग तो दिया जला के रह रहे हैं। 3.5 से 4 महीने से मोमबत्ती और दिया जला रहे हैं, घर में बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। देखिए बिजली का तार देखिए नीचे पड़ा हुआ है जमीन में, इधर दिखाइए और जमीन में देखिए तार पड़ा हुआ है। कब खराब हुआ था, कैसे खराब हुआ था? ऐसे अचानक पानी गिर रहा था, उड़ गया ट्रांसफार्मर, दौड़ते थे, लेटा भी हम लोग का साथ में है। देखिए मुखिया जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, कोई हम लोग का बात नहीं, अभी तक नहीं सुना। मुद्दा बिजली का है सर, बिजली पानी भी परेशानी, पानी के लिए बड़ा तालाब का पानी पी रहे हैं हम लोग। क्यों यहाँ पे चापाकल तो है, दिख रहा है चापाकल में है, 2000 आबादी है। मुखिया को तो सरकारी योजनाओं के गांव में लागू होने की जानकारी ही नहीं है, पता नहीं, लेकिन सच पूछा जाए मुझे खबर रहा था तो मैं जेई को फोन करके बताता और वो तुरंत बनाता, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ खबर नहीं था। अभी मैं जेई से बात करता हूं और मुझे विश्वास है शाम तक तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि को इतनी बड़ी आबादी की परेशानी का कोई भान नहीं है, तो ऐसे में उनका होना न होने के ही बराबर है। नगर कियारी के लोगों की समस्याओं को लेकर हमने बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मोबाइल पर उन्होंने जरूर कहा है कि उनकी समस्याओं को वो जल्द से जल्द दूर करा देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्रामीणों की समस्याएं दूर होती है या इसी तरह से लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर रहते हैं। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 11 भारत, धनबाद।